कि लड़ाई किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ। इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने जो हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटे हैं, ये लोग घर के अंदर घुसकर आने वाले दिनों में अंबेडकर वादियों को टारगेट करेंगे। ये लोग फिजिकल वायलेंस भी कर सकते हैं कि दलित समाज की बेटियां भी इस मुल्क में खड़ी हो चुकी है, जो सत्ता की गर्दन पकड़ेगी और सत्ता से सवाल पूछेगी, सत्ता की छाती के ऊपर चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेगी। एक महिला होकर दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर रहे, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रहे। असली लड़ाई तो शोषण के खिलाफ की है। और हम तमाम लोगों का एक ऐतिहासिक कर्तव्य है कि चाहे आप प्रोफेसर हो या विधायक हो, एक नहीं 17.5 बार आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, न्याय के लिए, समानता के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए। ये केवल व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट करने से या फेसबुक की वॉल पर कुछ लिखने से नहीं होगा। बहुत अलग दौर में हम लोग गुजर चुके हैं। ये लोग घर के अंदर घुसकर आने वाले दिनों में अंबेडकर वादियों को टारगेट करेंगे। ये लोग फिजिकल वायलेंस भी कर सकते हैं। 25, 35, 40, 50 साल के दौरान इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने जो हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटे हैं, ये अग्निवीर की जो सेना खड़ी हो रही है, ये ऐसे नहीं है। यशवंत सिंधे नाम का एक आदमी नांदेड़ की महाराष्ट्र की कोर्ट में एफिडेविट करता है। क्या करता है एफिडेविट में? हम लोग बम बनाते थे, हिंदू बस्तियों में फेंकने के लिए बम बनाते थे और उस बम बनाने की प्रक्रिया में केमिकल ब्लास्ट होने के कारण हमारे आरएसएस और बीएचपी के लोग मारे गए। ये क्या चल रहा है आप सोचिए। सत्यपाल मलिक जितने दिनों से बोल रहे हैं कि 2024 के चुनाव के पहले ये लोग अपनी ही पार्टी के किसी नेता को मरवाना चाहते हैं, आतंकवादियों की घुसपैठ का मामला खड़ा करेंगे, पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग करके दुबई में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे युद्ध की बात को फैलाया जाए, एक वॉर मॉन्गरिंग खड़ा किया जाए। तो तमाम साथियों से गुजारिश है, इस प्रकार के एक भी रैली या धरने को मत छोड़िए। हर कीमत पर हमारे संविधान को बचाना है, हर कीमत पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करना है। तो आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर रितु के समर्थन में आके खड़े रहें। रितु तो केवल माध्यम है, उसके कारण पूरे मुल्क में यह संदेश गया कि दलित समाज की बेटियां भी इस मुल्क में खड़ी हो चुकी है, जो सत्ता की गर्दन पकड़ेगी और सत्ता से सवाल पूछेगी, सत्ता की छाती के ऊपर चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेगी। रितु के इस धरने के कारण यह मैसेज गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केवल रतनलाल या लक्ष्मण यादव नहीं, कम से कम दूसरे 2,500 दलित, आदिवासी, ओबीसी और डीएनटी समुदाय के प्रोफेसर को निकाल दिया गया। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि यही तो वो लोग हैं जो सावरकर और गोलवलकर के बजाय भगत सिंह, फूले और पेरियार की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। आज साथियों, रतनलाल जी ने भाषण भी दिया और क्लास भी अच्छा किया, प्रोफेसर का ये काम भी है। हमारा पॉलिटिकल क्लास इतना निकम्मा हो चुका है कि सड़क पर तो नहीं ही उतर रहा, पार्लियामेंट और असेंबली में भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 2 अप्रैल का भारत का जो बंद है वो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन में मानता है, और इसलिए उसमें किसी भी नेता ने कॉल नहीं दिया था, किसी भी नेता का, पॉलिटिशियन का चेहरा उसमें नहीं था किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर, और फिर भी सरकार के खिलाफ भारत के इतिहास का एक ऐसा बंद हुआ जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन सड़क पर उतरने वाले भीम सैनिकों और अंबेडकरवादियों के बीच में 5 MP MLA भी इस मुल्क के नहीं थे। इस बात को भी हमें घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। हमको हमारे तमाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तमाम MP MLA के ऊपर उतना प्रेशर तो बनाना ही चाहिए कि हमारे मुद्दे पर या तो बोले या तो घर वापसी की तैयारी कर ले। इतना प्रेशर यदि हम अपने ही समाज के नेता के ऊपर नहीं बना पाएंगे तो मोदी जी से हम लोग क्या सवाल कर लेंगे? ये 108 दिन कोई मजाक होता है? भारत के इतिहास में कितने ऐसे धरने दलित बहुजन समाज की बेटियों ने किए होंगे जो 100 दिन चले? ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन की विरासत को
पूरे भारत के कोने कोने में ले जाने का आज हम लोगों को संकल्प करना चाहिए। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले अब तमाम साथियों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, आज के दिन में ऐसा संकल्प लेते हैं कि हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के एमपी एमएलए को कॉल दिया जाए, आइए एक नाइट यहाँ पर रुकिए, इस धरने पे एक नाइट आप बिताइए, ऋतु के साथ बैठिए, रतनलाल जी के साथ बैठिए, लक्ष्मण यादव के साथ बैठिए, उन तमाम लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। यदि इतना भी तुम्हारे अंदर जमीन नहीं तो जैसा कि प्रोफेसर जी ने कहा, उनके इलाकों में जाकर उनकी घर वापसी कराए, उनको चुनाव में हरवाए, ऐसा भी हमारा आयोजन होना चाहिए। बिना उसकी उनकी भी नींद नहीं उड़ेगी। तो कैसे कॉल देना चाहिए कि 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब भी आपकी टीम, प्रोफेसर साहब, नागपाल जी, सब लोग साथ में मिलकर एक टीम तय करते हैं, भाषण उन्दिन नहीं करोगे तो चला गया, यहां आकर एक नाइट आते एक पूरा दिन 24 घंटा रहिए और फिर पता चले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का नेता यहाँ पर मौजूद था और कौन नहीं था, और जो नहीं था उन सबके कपड़े उतारे गए। इन मोहतरमा रोहित के बारे में तो केवल इतना कहना चाहूंगा, आप भी महिला है, आपके ऊपर तो क्या है, आपको तो एक ही मन कर रहा है कि मनुस्मृति की कॉपी आपको गिफ्ट कर दूं। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक महिला होकर दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ उन 35 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जिन्होंने उनके खिलाफ कभी कुछ कहा ही नहीं, वो 35 बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते वो स्टूडेंट। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको बता दूं, विधायक तो हूं लेकिन वकील भी हूं, सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट के आपके लिए ही बने हैं, इस बात को याद रखिए। सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है, यदि कोई somebody is willfully neglecting the duty, तो उसकी भी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो साथियों, खाली पड़े सारे यूनिवर्सिटी के, सारे कॉलेज के तमाम सरकारी पदों को भरा जाए। इस मुल्क के सभी स्टेट में कितना बैकलॉग है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उस तमाम बैकलॉग को भरा जाए, उस बैकलॉग को आरक्षण की नीति के साथ सही स्पिरिट से लागू किया जाए, और जाति जनगणना का मुद्दा हम तमाम लोगों को इसलिए भी उठाना चाहिए कि पता तो चल गया कि दलित कितने हैं इस मुल्क में, आदिवासी कितने हैं, अरे 48% निकलेंगे ओबीसी या 54% निकलेंगे, लेकिन रफ आइडिया तो हमको भी है ना बिना जनगणना के। लेकिन जनगणना इसलिए करवानी है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, इन वंचित समुदायों की जनगणना हो, उसके बाद असली एजेंडा खड़ा होगा, और असली एजेंडा यह होगा कि अब बताइए कि इस मुल्क के न्याय तंत्र में कितने ओबीसी, आदिवासी और दलित है, अब बताइए कि इस मुल्क में कितने दलित, आदिवासी, ओबीसी के पास जमीन है, अब बताइए कि इस मुल्क में माइनिंग के ठेके, बड़े बड़े टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलते हैं। मामला, असली लड़ाई तो संसाधनों की है, असली लड़ाई तो शोषण के खिलाफ की है। तो जैसे कि ऋतु ने कहा कि लड़ाई किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ। और इसलिए इस बात को भी स्पष्ट करता हूं, यदि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 300 ब्राह्मण समाज के मजदूर हैं, और यदि उसका शोषण करने वाला मालिक दलित है तो उसके खिलाफ भी है। ये है अंबेडकरवाद, ये है हमारी सोच। ये अलग बात है कि उसका नंबर बाद में रखेंगे, उसका कार्यक्रम बाद में लगेगा, लेकिन हम सारे शोषण के खिलाफ खड़े हो, सारे अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़े हो। साथ ही डॉक्टर ऋतु के लिए एक जबरदस्त तालियों के साथ उसका स्पिरिट बढ़ाया जाए, और आने वाले दिन में तो एक तारीख तय करके दोबारा यहां आऊंगा, हम तमाम लोग मिलकर पूरे सम्मान के साथ इस मुल्क के सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी दलित नेताओं को, सभी आदिवासी ओबीसी नेताओं को एक दिन हमारे बीच धरने में बैठने का आमंत्रण देते हैं, और फिर पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। अब तमाम साथियों को शुक्रिया।